जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर देश एवं राज्य में फैल रही नफरत की राजनीति को खत्म करने की मांग की गई। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी लोग जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और देश में नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां संस्था द्वारा उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर विशेष समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की गई। आज हमने जीसी के मार्फत सीएम को ज्ञापन सौंपा है। मामला नॉर्थ ब्रेक हमारा एक एजेंडा है, हमारा एक मांग है। पहली मांग यह है कि पांकी के जो विधायक हैं उन्होंने मुसलमानों के विरोध में दाढ़ी टोपी और जहां देखो वहां मारो इस तरह बयान दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संवैधानिक बयान दे रहा है, इससे पूरा झारखंड विचलित हो रहा है, झारखंड में दंगे फैल सकते हैं। तो एक विधायक के वजह से पूरे झारखंड में एक बिगाड़ पैदा हो सकता है। दूसरा, अभय सिंह साहब अभी कुछ पहले जेल में थे, साजिश करने के वजह जेल में गए, दंगे साजिश के उन्होंने जेल में गए, फिर निकले, फिर मुसलमानों के खिलाफ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके सिवा भी अभी वाल्मीकि साहब को वहाँ पर हमारे हजारीबाग में वहाँ पर चुनाव हो रहा था, वहाँ वाल्मीकि साहब को वहाँ पर मारा गया, कोर्ट बड़ी सर जातिवाद गाली दी गई है। इसके सिवा छात्रवृत्ति को लेकर हमारा एक मुद्दा है कि यहाँ पर छात्रवृत्ति आदिवासी को नहीं दी जा रही, आदिवासी के दलितों की जमीन छड़पी जा रही है। 23 सालों में झारखंड में जो सो कॉल्ड सेकुलर नॉन सेकुलर सरकारें रही उन्होंने यहाँ के आदिवासियों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, सिखों पे, सब पे अत्याचार चरम पर है, अत्याचार कर रहे हैं। इन सारी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, धरना बैठे हैं, हमने कभी रैली भी की है और अभी हम डीसी साहब के मार्फत से सीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाले कुछ दिनों में हम लोग राजभवन में 50,000 लोगों से धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना ज्ञापन करेंगे। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के जिलाध्यक्ष अजय समाज पार्टी के और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग एक दिवसीय धरना के मार्फत जमशेदपुर उपायुक्त के माध्यम से हम लोग झारखंड सीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। और ये जो पिछले सप्ताह पक्की के विधायक शशिभूषण मेहता द्वारा जो दलित टोपी वाला को कहीं भी मिलने पर ठिकाना लगा दो उसके खिलाफ में हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं जमशेदपुर से, और आने वाला समय में हम लोग ये जो सांप्रदायिक लोगों द्वारा जो देश को भड़काने का काम करते हैं, जातिवाद में बांटने का काम करते हैं, उसके खिलाफ में हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होते हैं दशिकोण पार्टी विधायक के ऊपर तो हम लोग राजभवन घेराव करने का भी हम लोग सोचे हैं। मांग है कि उसको गिरफ्तार करें और ऐसे जो संवैधानिक दायरे में बात तो नहीं करते हुए जातिवाद को जो दंगा फैलाने का बात कर रहा है, सांप्रदायिक स्वार्थ को बिगाड़ने का काम कर रहा है, तो उसको ऐसे विधायक को जेल में डालिए या हम लोग भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी द्वारा हम लोग खुद भी हम लोग अपना जो भी सिस्टम है उसमें हम लोग पहल करेंगे। क्या हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी है हम लोग जातिवाद अगर कोई करता है, भारत एक धर्म निरपेक्षता देश है, इसमें सभी लोगों को रहने की आज़ादी है, सभी धर्मों को आदर करना चाहिए, लेकिन एक एक विधायक संवैधानिक पद में रहते हुए एक व्यक्ति विधायक ऐसे बात कर रहे हैं, कैसे बेकूफी वाला बात है। आप विधायकगिरी करो ठीक है, आप असेंबली में पार्लियामेंट में बैठो ठीक है, तो ये जातिवाद का भड़कावा सब देने बंद। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।